नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सुनीता कमल, SPC गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज जो हम आपको वीडियो बता रहे हैं उसमें हम अध्ययन करेंगे भगवद गीता का। भगवद गीता महाभारत का अंश है, जो महाकाव्य है महाभारत, महाभारत का अंश है भगवद गीता। और विद्यार्थियों आप याद रखिएगा कि गीता का जो प्रमुख उद्देश्य क्या है, उसका प्रमुख उद्देश्य है जीवन की समस्याओं को सुलझाना एवं सत्कर्म की तरफ प्रेरित करना। गीता में कुल कितने अध्याय हैं? गीता में कुल 18 अध्याय हैं। गीता की गणना विश्व साहित्य के जाज्वल्यमान ग्रंथ रत्नों में की जाती है। गीता बाइबल के बाद गीता ही संभवतः ऐसी पुस्तक है जिसका विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद किया गया है। डॉक्टर राधाकृष्णन ने भी गीता के महत्व पर प्रकाश डालते हुए लिखा है कि किसी भी ग्रंथ का मनुष्य के मन पर इतना अधिक अधिकार, इतना अधिक प्रभाव नहीं पड़ा जितना कि गीता का प्रभाव जो है वो मनुष्य के ऊपर पड़ता है। वासुदेव शरण अग्रवाल ने भी यही कहा इसीलिए कि विश्व के साहित्य में कर्मशास्त्र का और मोक्ष शास्त्र का ऐसा रहस्यपूर्ण ग्रंथ कोई दूसरा उपलब्ध है ही नहीं जिससे गीता की तुलना की जा सके। यह सबसे सुंदर, शायद अकेला सच्चा दार्शनिक काव्य है जो किसी भी जानी हुई भाषा में मिलता है। महात्मा गांधी भी यही कहते थे कि जब मैं बहुत निराशा और नितांत अकेला और एकाकी क्षण में जब होता था तो मुझे गीता ही मेरे जीवन का अंतिम सहारा होता था। गीता भारतवर्ष के सुप्रसिद्ध महाकाव्य महाभारत का भीष्म पर्व का एक भाग है। गीता में श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया है। महाभारत युद्ध के अवसर पर जब कौरव पांडवों दोनों पक्षों की सेनाएं कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध के लिए सामने खड़ी थी, तभी पांडव पक्ष के प्रमुख योद्धा अर्जुन का मन देख करके विचलित हो गया और उसने कहा जिन लोगों से उसे युद्ध करना है वे सब उसके भाई बंधु सखा मित्र हैं, अब मैं इनसे युद्ध नहीं कर सकता हूँ। और उसका अचानक जो था मन में मोह जाग उठा और अपने अस्त्र शस्त्र उतार करके रख दिए। ये देख कर श्री कृष्ण ने कहा कि जो कि उसके रथ के सारथी बने हुए थे उससे इसका कारण जानना चाहा, तो अर्जुन ने श्री कृष्ण को उत्तर दिया कि मैं थोड़ी सी भूमि और संपत्ति के लिए अपने भाइयों और संबंधियों गुरुजनों का खून नहीं करना चाहता हूँ। इस पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को प्रभावपूर्ण उपदेश देकर उसके मोह का अंत किया। श्री कृष्ण के दार्शनिक और पांडित्यपूर्ण उपदेश ने अर्जुन के ज्ञान चक्षु खोल दिए और उसकी मोह निद्रा भंग हो गई और अपने कर्तव्य की पूर्ति के लिए धर्म युद्ध के मैदान में वो कूद पड़ा। और श्री कृष्ण भगवान ने जो उपदेश अर्जुन को दिया वही दिव्य संदेश भगवद गीता में संकलित है। गीता का उपदेश अर्जुन को मार्गदर्शन के लिए दिया गया, किंतु वास्तव में गीता एक विश्व का दर्शन है और वह सिर्फ अर्जुन के लिए ही नहीं बल्कि अर्जुन की तरह जो किंग कर्तव्य विमूढ़ हुए भटके हुए हर मनुष्य के लिए गीता का उपदेश कल्याण पथ का निर्देश है। अर्जुन उन सामान्य मानवीय त्रुटियों और कमजोरियों का प्रतिनिधित्व करता है जो मोह माया में पड़ी हुई होती हैं। तो आज के जीवन में गीता के प्रथम अध्याय में उस आत्मा को उसी संशय भ्रम अंधकार की स्थिति में चित्रित किया गया है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही कहा, हे अर्जुन, धर्म युद्ध से पलायन नहीं करना चाहिए, धर्म युद्ध क्षत्रिय का कर्तव्य है। ये क्या है, युद्ध कोई युद्ध करना से ही मतलब नहीं है बल्कि कर्म से मतलब है। आज की भटके हुए युवा पीढ़ी को भी कर्म का संदेश मिलता है कि धर्म युद्ध क्षत्रिय कर्तव्य है जो उसे इस लोक में कीर्ति मरने के बाद स्वर्ग प्रदान करता है। आत्मा नित्य है, इसी कारण शोक करना अनुचित है। शरीर के नाश के साथ आत्मा का विनाश नहीं होता है। मनुष्य का यह कर्तव्य है कि अपने मन को वासना कामनाओं से हटाकर कर्तव्य पथ पर अग्रसर करे, सुख दुख लाभ हानि जय पराजय का विचार नहीं करे। मनुष्य को हमेशा अपने कर्म में ही लगे रहना चाहिए। ये क्या है, यही कर्म योग है। श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि यही गीता के सिद्धांत और शिक्षाएं भी हैं कि गीता में जो हमें जिन बातों का उपदेश मिलता है, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, वो हमारे आज के जीवन के लिए भी बहुत ज़रूरी है और उस समय भी बहुत ज़रूरी थी। गीता आध्यात्म विद्या और ब्रह्म ज्ञान का ग्रंथ है।
उसमें जैसे कर्म योग के विषय में यही कहा है, अपने सामाजिक उत्तरदायित्वों को अच्छी तरह से निर्वाह करना चाहिए। यही उनकी शिक्षा जो है वो कर्म योग है। कर्म योग में कर्म का शाब्दिक अर्थ है कर्तव्य, जो कर्म किया जाए, कर्म करना ही कर्तव्य है, कर्म है, और वही कर्म योग है। योग का तात्पर्य अपने को उसमें लगाए रखना और कर्म करते रहना, अर्थात कर्म योग का तात्पर्य हुआ अपने सामाजिक उत्तरदायित्वों को पूरी तरह से निर्वाह करना। गीता के कर्म योग का यही सिद्धांत है। अब इसमें कर्म योग के बाद उन्होंने सारांश में कर्म के सिद्धांत का मुख्य परिणाम यही होता है कि कार्य करने वाला अनुचित कर्म नहीं करता है, और जब मनुष्य कामना रहित होने के कारण कर्म योग को निष्काम कर्म भी कहते हैं। निष्काम कर्म क्या? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। श्री कृष्ण भगवान ने कहा तो कर्म कर, तेरा अधिकार कर्म पर है, फल पर नहीं है। और मनुष्य स्वार्थ रहित होकर कार्य करता है तो उसे ईश्वर प्राप्ति भी होती है और दूसरों के लिए भी वह कल्याणकारी होता है। ये तो हुआ श्री कृष्ण भगवान का कर्म योग। अब है ज्ञान योग। ज्ञान योग क्या है? गीता के ज्ञान योग के सिद्धांत का तात्पर्य है आत्मशुद्धि और आत्मज्ञान। आत्मशुद्धि, आत्मज्ञान की अवस्था में मनुष्य अपने को संपूर्ण मानव मात्र में देखता है। उस अवस्था में मनुष्य का संपूर्ण माया मोह समाप्त हो जाता है और वह आत्मज्ञान के प्रकाश में कर्मों के अंधकार में समाप्त हो जाता है, और फिर व्यक्ति कर्म फल भोगने की उसको आवश्यकता ही नहीं रहती, और ज्ञान योग से परम सत्य की अनुभूति होती है। गीता ने यही कहा कि शरीर नाशवान है किंतु इसमें निवास करने वाली आत्मा क्या है? अमर है। वो हमारे फटे पुराने जर्जर मलिन कपड़ों को त्याग कर नए कपड़े हम पहन लेते हैं, उसी प्रकार आत्मा समय आने पर इस जर्जर अकर्मण्य शरीर का त्याग कर नया शरीर धारण कर लेती है। तो अब तीसरा क्या है? भक्ति योग। भक्ति योग क्या है? एकाग्र चित होकर के भगवान को आत्मसमर्पण करे बिना भक्ति जो है वो नहीं हो सकती, यही गीता की शिक्षा है। यदि श्री कृष्ण कहते हैं यदि पापी मनुष्य भी अनन्य भाव और पूर्ण प्रेम के साथ ईश्वर की भक्ति करता है तो वह भी धर्मात्मा ही है, क्योंकि वह निष्ठावान इच्छा को लेकर मेरी ईश्वर की शरण में आया है, इसलिए वह धार्मिक संपन्न व्यक्ति है। भगवान स्वयं किसी के पुण्य पाप को ग्रहण नहीं करता। गीता कहना है व्यक्ति स्वयं अपनी इच्छा से ही पुण्य और पाप को ग्रहण करता है, भगवान किसी को पुण्य पाप को ग्रहण नहीं करवाता है। तो कुल मिलाकर के विद्यार्थियों, गीता ज्ञान भक्ति और कर्म का समन्वय है। अब ये क्या है? अब आपके दो नंबर का प्रश्न ये भी आ सकता है कि स्थित प्रज्ञ मानव क्या होता है। कृष्ण भगवान ने कहा कि पूर्ण मानव जो है वो स्थित प्रज्ञ मानव होता है, वो स्थिर बुद्धि वाला होता है। उन्होंने कहा गीता में श्री कृष्ण ने मानव का आदर्श रखा, उनके अनुसार स्थित प्रज्ञ मानव पूर्ण और आदर्श मानव है। स्थित प्रज्ञ का अर्थ है स्थिर बुद्धि वाला, अर्थात वह सुख दुख मान अपमान सफलता असफलता राग द्वेष सब में क्या है? एक समान रहता है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आता है। वह अपनी सारी कामनाओं का त्याग कर देता है और अपनी आत्मा से संतुष्ट रहता है, एकाग्रचित होकर के ईश्वर में लीन हो जाता है, वही कहलाता है स्थित प्रज्ञ मानव। तो कुल मिलाकर के यही गीता का जो है यही सार है और यही इसका उपदेश है। धन्यवाद।